Subscribe to my channel Prithna Now to make it and click on the bell icon to watch my latest videos first. Hi guys, my name is Priya and you are watching Prithna Now to make it. तो जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही चुका होगा कि ये एक हॉल वीडियो है जिसमें आपको कुछ दिवाली से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेंगी और कुछ मिसलिनियस चीज़ें हैं जो कि मैंने ड्यूरिंग द सेल अमेज़ॉन से परचेज़ की हैं और सारी चीज़ें मैंने अनबॉक्स कर दी हैं और इस तरफ रखी हुई हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। तो पहले मैं आपको दिवाली से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखाऊंगी, उसके बाद मैं सारी मिसलिनियस चीज़ें दिखाऊंगी। तो पहली चीज़ है ये वाला लैंटर्न। ये मैंने दो लिया है क्योंकि ये पैक ऑफ टू ही था और इसको अगर आप वॉल पे ऐसे हैंग कर देंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। इसमें ये टी लाइट्स दिए हुए हैं, बैटरी ऑपरेटेड टी लाइट्स। ये कुछ ऐसे दिखता है, एक सेकंड मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पर लाइट के कारण ये दिख नहीं रहा है, ये अंधेरे में बहुत अच्छा दिखेगा, दिवाली के दिन स्पेशली बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा। इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं, या तो आप फेरी लाइट्स रख सकते हैं या फिर छोटे छोटे जो प्लांट्स आते हैं वो भी डाल के इधर रख सकते हैं, बहुत सुंदर दिखेगा वो। और ये मुझे दो पेस्टल कलर में मिला है और मुझे बहुत पसंद आया ये वाला कलर। यहाँ पे ये दोनों दी हुई हैं। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है फेरी लाइट्स। ये भी मुझे पैक ऑफ टू मिला था, ये 2 मीटर्स की है, पैक ऑफ टू था ये। एक को मैंने ऐसे बॉटल के अंदर ऐसे रखा है और ये यहाँ पर मैंने पेबल्स डाल दिए हैं और इस लाइट को ऐसे इंसर्ट कर दिया है और अगर इसे ऑन करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। मुझे ये काफ़ी पसंद आया, मैं इसे किसी भी बॉटल के अंदर रख के डेकोरेट कर सकती हूँ। बॉटल चाहे कलरफुल हो या ऐसे ट्रांसपेरेंट हो वो भी बहुत सुंदर दिखेगा। आप चाहे तो खुद भी पेंट कर सकते हैं बॉटल के ऊपर, फिर इस फेरी लाइट को डालकर रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर कर देगा उस एरिया को। मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने इसे ऑर्डर कर लिया था। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये वाला लैंटर्न। यहाँ पर ये जो कैंडल है ये फेक है, यहाँ पर इधर बटन्स दिए हुए हैं, ऐसे ऑन हो जाता है। ये मैं अपनी बेटी के लिए लाई हूँ क्योंकि वो इधर उधर चलते रहती है, उसे दिए जलाने तो मैं नहीं दूंगी, बहुत छोटी है वो, तो उसका मन शांत करने के लिए मैं उसे ये पकड़ा दूंगी ताकि वो खेलते रहेगी, उसको भी लगेगा कि उसने भी कुछ कैंडल या दिया जलाया है। और ये भी पैक ऑफ टू था, ये मैंने बाहर हैंग करने के लिए लिया है। इसे आप दिवाली के बाद भी ऐसे हैंग करके रख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ दिवाली के लिए नहीं है, एवरीडे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बाहर किचन में भी लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। मुझे ये भी बहुत पसंद आया। हाँ, एक चीज़ है कि इसकी पैकिंग इतनी अच्छी नहीं थी, कुछ चीज़ें यहाँ पर टेढ़ी हो गई थी, इसमें भी और इसमें भी ये ऐसे चिपक चुका था, मतलब ऐसे पिचक गया था, दब गया था। यहाँ पर मैंने इसे खुद ठीक किया, मुझे इसकी पैकिंग इतनी खास अच्छी नहीं लगी, बट ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं हुआ था इसलिए मैंने रिटर्न नहीं किया, और रिटर्न करती भी तो ये दिवाली से पहले पहुँचता नहीं, तो मैंने खुद ही इसे एडजस्ट कर लिया और थोड़ा सा ठीक कर दिया है। ऑल इन ऑल ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ये दोनों लैंटर्न्स आई थिंक टाइड रिबन्स ऐसे कुछ है ब्रांड, उसमें से आया है। और नेक्स्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है दिवाली के लिए, वो है ये दोनों लैंटर्न। ये भी सेम ब्रांड का है। इसकी एक प्रॉब्लम थी कि इसमें से एक ग्लास नीचे गिर गया था, हो सकता है कि वो टूट जाता, बट टूटा नहीं और ये सबसे ज़्यादा लेट पहुंचा मेरे पास, और इसकी ग्लास निकल गई थी तो मुझे लगा कि मैं ग्लास थोड़ा सा क्रैक भी हो गया था, बहुत छोटा सा टुकड़ा था, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया और ये एडजस्ट हो गया है अंदर। और इसका जो बाहर का एरिया है यहाँ पर थोड़ी सी शार्पनेस है, आई थिंक इसमें नहीं है, इस
येलो वाले में है कहीं तो है। हाँ, इसका जो आउटर एरिया है थोड़ा सा शार्प है। अगर वो, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर वो कस्टमर के पास कोई चीज़ भेजते हैं तो उन्हें पूरी तरह से चेक करके भेजना चाहिए। थोड़ा सा ये शार्प है, बच्चे भी छूते हैं इन ऐसी चीज़ों को, तो उन्हें देख कर कुरियर करना चाहिए ये सब चीज़ें। और किसी किसी का तो रिव्यू में ये भी आया है कि ग्लास वगैरह सब टूट गए हैं, तो थोड़ा सा देख कर उन्हें अच्छे से पैक करके भेजना चाहिए था। बट प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके अंदर दो टी लाइट्स भी मिले हैं, तो ये है लास्ट लैंटर्न। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है अगेन एक फेरी लाइट। ये 10 मीटर की है और USB ऑपरेटेड है। मैंने इसे ओपन नहीं किया है, ये कुछ ऐसा है। इसे आप कहीं भी USB में कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी चार्जर पॉइंट में लगा सकते हैं और बहुत सुंदर दिखता है ये। मैं इसे अभी तो ऑन करके दिखा नहीं सकती, यहाँ पर कुछ है नहीं। आप इसे पावर बैंक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा ये, और कहीं पे भी रख सकते हैं। और ये वाला अच्छा इसमें ये है कि ये बैटरी ऑपरेटेड है, आपको कहीं किसी USB पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर पावर बैंक किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा यहीं से ऑन कर दो ये ऑन हो जाता है। दोनों ही सेम है, बस इसमें ये डिफरेंस है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इतने सारे लैंटर्न्स क्यों खरीदे हैं, क्योंकि मैं इस साल दिए बाहर ही जलाऊंगी और ज़्यादा नहीं जलाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है, वो इधर उधर भागती रहती है, कहीं भी एक्सीडेंट होने का टेंशन रहता है। तो मैंने सिर्फ बाहर दिए जलाने के लिए लिए हैं और ये लैंटर्न्स लिए हैं ताकि मैं उसको दे सकूँ और मैं भी डेकोरेट कर सकूँ कुछ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैंने ये 3-4 सेट ले लिए हैं लैंटर्न्स के, और कुछ फेरी लाइट्स भी ले लिए हैं। नेक्स्ट है ये वाला टी लाइट का सेट। इसमें 100 टी लाइट्स हैं, वो भी अलग अलग कलर्स में हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये वैसे ऐसे अरेंज होकर नहीं आया था, हालांकि अमेज़ॉन पे ऐसे ही दिखाया गया था, बट पैक में ये टोटल एक ही कलर का ऊपर था, फिर दूसरे कलर का नीचे था, फिर तीसरे कलर का। मैंने इसे इस तरह से अरेंज किया ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ये आई डोंट नो ये कैसा होगा, बट इसका टेक्सचर जो है थोड़ा सा रेत रेत जैसा है, और नॉर्मल जो वाइट कलर के मिलते हैं टी लाइट्स उसके जैसा नहीं है, एकदम स्मूथ। पता नहीं जलने के बाद अच्छा लग सकता है, मैं ट्राई करके दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो क्लिप में। और उसके बाद है ये वाली LED लाइट्स। ये स्नोफ्लेक पैटर्न में है, जो कि मुझे विंटर के लिए चाहिए था और ये डिस्काउंट में भी था, तो मैंने इसे ले लिया। और उसके बाद बहुत ही स्पेशल चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई अमेज़ॉन पे, बट इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम है कि इसको आप रिटर्न नहीं कर सकते। तो जब मैंने ऑर्डर कर लिया था तो उसके बाद मैंने रिव्यूज़ देखा, तो बहुत जनों ने लिखा था कि वो रिटर्न करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए पॉसिबल नहीं था, और वो है ये धूपदानी। ये कुछ इस तरह से पैक होकर आई थी, और लकीली मेरे केस में कुछ भी ब्रोकन नहीं मिला, कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ का। और अभी मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आप टी लाइट रख सकते हैं, या फिर अगरबत्ती छोटी वाली जो आती है, या फिर कपूर रख सकते हैं। ये एक और भी दिया हुआ है, आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इसे ऊपर विदाउट द लिट। और इन्होंने यहाँ पर ये टी लाइट्स दिए हैं, दो टी लाइट्स हैं इसके अंदर, और ये छोटी वाली अगरबत्ती जो आती है। इसके अंदर ब्लैक पेंट किया हुआ है और बाहर मेटल कोटिंग की गई है। ये ब्रास का तो है नहीं, मुझे उसमें लिखा था ब्रास लेकिन ब्रास का लग नहीं रहा है, एल्युमिनियम हो सकता है, बट इसके ऊपर ब्रास की फिनिशिंग दी हुई है, तो ये काफ़ी सुंदर दिखता है। और इसके अंदर जब आप अगरबत्ती या कर्पूर वगैरह रखेंगे तो उसका जो धुआं निकलेगा वो बहुत सुंदर तरीके से बाहर निकलता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे डिज़ाइंस की हुई है, वो बहुत सुंदर दिखेगा। इसलिए मैंने ये दिवाली के लिए लिया है, मैं घर के बाहर इसे डेकोरेट करना चाहती थी, मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने इसे ऑर्डर कर लिया।
तो ये थी सारी दिवाली से रिलेटेड शॉपिंग। और नेक्स्ट आप देखेंगे मिसलेनियस चीज़ें। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये वाला केक टर्न टेबल। ये मैंने क्राफ्ट के पर्पज़ से लिया है। मैं ज़्यादा केक्स बनाती नहीं हूँ, अगर बनाऊँगी भी तो इसे ये काम आ जाएगा, बट मैंने स्पेशली इसे क्राफ्ट के लिए लिया है। और ये काफ़ी अच्छे से पैक होकर आया था और बहुत अच्छा भी है, कहीं से ब्रेक डैमेज नहीं हुआ है। और जो नेक्स्ट है वो है ये वाला आर्टिफिशियल प्लांट, बैम्बो लीव्स है ये। ये बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन इसकी जो ये प्लांटर है जो वुड से बनाई गई है उसे अच्छे से फिनिश नहीं दिया गया है और अच्छे से जॉइंट भी नहीं हुआ है, यहाँ पर ऐसे ओपन हो जाता है। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है, एक और आने वाला है उसके बाद ये रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए मैंने इसे रिटर्न तो नहीं किया, रिप्लेस कर दिया। और मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी की थी, उसमें आप देख सकेंगे कि ये कैसे टूटा हुआ ऐसे आया था, स्टिक नहीं हुआ है और यहाँ पर फिनिशिंग अच्छी नहीं है, तो मुझे इतना खास नहीं लगा। आप देखते हैं दूसरा वाला पीस कैसा आता है। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिफिशियल प्लांट है, बहुत अच्छा दिखता है वीडियो में, अगर वीडियो के पर्पज़ से भी अच्छा दिखेगा। मैं जब क्राफ्ट करती हूँ तो उसके साइड में रखने के लिए मुझे एक चाहिए था, तो मैंने उस पर्पज़ के लिए इसे लिया है। और आप चाहें तो इसे घर पे भी डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर बना देता है उस एरिया को। नेक्स्ट है ये छोटे वाले आर्टिफिशियल प्लांट्स, ये मुझे काफ़ी क्यूट लगे। ये आइकिया का है, वैसे बहुत ज़्यादा ही छोटा है, मैंने सोचा था थोड़ा सा बड़ा साइज़ में होगा, बट काफ़ी छोटा है ये, बट फिर भी क्यूट है, तो मैंने इसे रिटर्न नहीं किया, इसे रख लिया। नेक्स्ट है ये हैवी वाला ब्रैकेट, ये प्लांट्स हैंगिंग के लिए है, उस पर्पज़ से लिया है। आप चाहें तो इसमें दिवाली लैंटर्न्स भी लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, काफ़ी सुंदर है। इसमें ये छोटा सा बर्ड बनाया गया है, मुझे ये बहुत पसंद आया और ये बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। बस एक चीज़ की प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये स्ट्रेट है और दूसरे वाले में ये थोड़ा सा बेंड है, समझ नहीं आ रहा इसको कैसे लगाऊँ, कैसे ये स्ट्रेट होगा, बट फिर भी मुझे अच्छा लगा तो मैंने रिटर्न नहीं किया इसे। और इसके साथ नेल्स भी आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, वरना मार्केट जाके सर्च करना पड़ता है इसमें कौन सा नेल फिट होगा, तो ये मुझे बहुत पसंद आया। और आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एक वॉल मेश। तो ये रहा वो वॉल मेश, ज़्यादातर सब इसे डेस्क ऑर्गेनाइज़र के हिसाब से यूज़ करते हैं, और कुछ नोटिस इसमें लगाना होगा या फिर कुछ भी DIY करके इसको डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। मैंने इसे किचन के पर्पज़ के लिए लिया है, मैं एक्चुअली इसमें वेजिटेबल्स हैंग रखने वाली हूँ, इसमें नहीं रखने वाली हूँ, इसके लिए मैंने और तीन चीज़ें ली हैं। इसके साथ मुझे मिली थी ये वाली बास्केट, सेकेंड दिखा देती हूँ, तो ये बहुत छोटा सा है, इसमें कुछ आता नहीं है, बस फ्रूट्स रख सकते हैं और इसको ऐसे हैंग करना है। और एक चीज़ इसमें मिली थी, हाँ, इसके साथ एक छोटा सा ट्रे भी आया था इसी तरह का, बट वो बास्केट नहीं था, सिर्फ ऐसे ट्रे टाइप का था, वो मैंने कहीं और रख दिया है तो मैं अभी दिखा नहीं पा रही हूँ। बट मैंने और तीन चीज़ें ली हैं, वो है ये वाले बास्केट्स, ये सेट ऑफ थ्री है, और यहाँ पे तो मैं इसे यहाँ पर ऐसे करके हैंग कर दूँगी, एक सेकेंड, इस तरह से हैंग करके मैं इसमें वेजिटेबल्स रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरी बेटी घर में इधर उधर घूमती रहती है, वो कोई भी वेजिटेबल जाके पकड़ लेती है और खाना स्टार्ट कर देती है जब भी उसको भूख लगती है। वो अभी कुछ बोल नहीं पाती है, इसलिए वो उसे भूख लगती है तो जाके वेजिटेबल पकड़ लेती है, और अगर वेजिटेबल क्लीन नहीं है तो उसके हाथ में सारी गंदगी लग जाती है और वो खाती भी नहीं है, उसको ऐसे स्मैश करके फेंक देती है। तो उसके लिए मैंने इसे वॉल में रखने के लिए लिया है, और ये काफ़ी अच्छा भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, बट एक चीज़ है कि ये जो ग्रिड्स हैं वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, बट मुझे जिस पर्पज़ के लिए चाहिए था उसके लिए तो फिट है, इसलिए मैंने इसे भी रिटर्न नहीं किया, काफ़ी अच्छा ही है। ये जो तीन बास्केट्स हैं ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्पेस भी है इसमें काफ़ी, बहुत सारे वेजिटेबल्स इसमें रख सकते हैं, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला। और उसके बाद मैंने अमेज़ॉन पे जब स्क्रॉलिंग कर रही थी तो मुझे मेरे लिए कुछ चीज़ें मिली हैं,
जो मैंने ली है, और वो है ये, आई थिंक ये वोयला है, वोयला ब्रांड की दो ईयररिंग्स। और ये मैंने पहन के भी देखा, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है और काफ़ी सस्ते में भी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे। और लाइट वेट भी है, क्योंकि मुझे हैवी पहनना पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी लगता है तो मुझे हेडेक होने लगता है। पहले मैंने सोचा काफ़ी, फ़ोटो में बहुत छोटी लग रही थी, बट लाने के बाद जब मैंने देखा कि ये बाप रे इतनी बड़ी साइज़ की है ये, तो मैंने सोचा कि हैवी होगी, बट जब मैंने इसे पहना तो बहुत लाइट वेट था और मुझे काफ़ी पसंद आया ये वाला। आप इसे ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये और सुंदर भी दिखता है। और नेक्स्ट जो है वो है ये वाला लॉन्ग चेन, ये तो ब्लैक बीड्स है और ये मल्टी कलर है, और ये जो कुंदन्स है या राइनस्टोन जो भी है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी में है, तो मैंने इसे ले लिया, क्योंकि उस वक्त ये लिखा था ओनली वन लेफ्ट और मैंने ले लिया। और अभी ये अवेलेबल नहीं है, जब भी स्टॉक में आएगा तो आप लिंक के थ्रू जा सकते हैं। और ये पहनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला। और उसके बाद मैंने अपने लिए लिया है एक और चीज़, वो है ये वाला टॉप, आई डोंट नो हाउ टू शो यू। और इसका कलर और इसकी जो नेकलाइन है और यहाँ पर जो ये स्ट्राइप बने हुए हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैंने जब देखा इसे तुरंत ही ऑर्डर कर लिया मुझे बहुत पसंद आया। तो ये था मेरे लिए। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये सोलिमो का वॉल क्लॉक है। इसका कलर और इसका जो प्रिंट है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, और ये काफ़ी ट्रेंडी भी है, ज़्यादातर यूट्यूबर्स के पास ये है, और अमेज़न पे भी अगर क्लॉक्स सर्च करते हैं तो ये सबसे पहले ये वाला आ जाता है, तो मैंने इसे ले लिया। और इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर दिखता है ये घर पे। और भी बहुत सारे वाइब्रेंट कलर के हैं, बट वो बहुत ज़्यादा ऑरेंज और रेड में है तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे थोड़ा सा ये सूदिंग वाला अच्छा लगा, तो मैंने ये वाला ले लिया। मैं एक और चीज़ तो दिखाना भूल गई, वो ये है छोटे छोटे पेपर क्लैम्प्स। ये मुझे मिला था, इसमें एक रोप भी दी हुई है, जूट रोप है, ये छोटी सी है, ये मुझे मिला इस ग्रिड में, क्योंकि कुछ लोग पेपर में कुछ भी डिज़ाइन करके यहाँ लगाना पसंद करते हैं, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रखना चाहते हैं, तो इसके थ्रू आप यहाँ पर हैंग कर सकते हैं, तो ये बहुत क्यूट लगा मुझे इसमें। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वो है एक लगेज जो कि है 77 सेंटीमीटर का, और है वो सफारी का है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और वो है ये वाला ये काफ़ी बड़ा है, मैं यहाँ पर तो दिखा नहीं सकती, आप नेक्स्ट वीडियो क्लिप में देखेंगे। मैंने इसे कहीं ट्रैवलिंग के लिए नहीं लिया है, इसमें इसे सिर्फ घर पे कपड़े स्टोर करने के लिए लिया है, क्योंकि हम रेंटेड हाउस में रहते हैं और वहाँ पे कबर्ड्स इतने अच्छे नहीं हैं, और ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े जो होते हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं, तो मैंने स्टोर करने के लिए लिया है। और बहुत बहुत ज़्यादा स्पेस भी है इसमें, और ये पॉलीकार्बोनेट से बनी हुई है तो स्क्रैच प्रूफ भी है और ब्रेक भी नहीं होगा, और ये एक थोड़ा रबर जैसा भी है और प्लास्टिक जैसा भी है, पॉलीकार्बोनेट है, और इसमें 360 डिग्री व्हील्स भी दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छा है, और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, और डिस्काउंट में भी था तो मैंने ये वाला ले लिया। वैसे ये चेक इन बैग है, कैबिन बैग भी था वहाँ पे, आप चाहें तो इस सेम कलर का अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें एक साइड ज़िपर आता है और एक साइड बेल्ट वाला आता है, वो भी ठीक ही है, घर पे स्टोर करने के लिए अच्छा है, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ का है, बट कहीं आने जाने के लिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो हैवी हो जाएगा, आप कैबिन बैग चेक कर सकते हैं।
और ये सब थी मेरी दिवाली की शॉपिंग। आई होप आपको मेरा ये हॉल वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें डेकोरेट भी करनी है, कि कहाँ मुझे लगाना है वो सब भी देखना है, और ये बहुत लेट पहुँची सारी चीज़ें, तो मैं इसलिए वीडियो भी लेट आएगा आपके पास। आई थिंक कल तक अपलोड हो जाएगा वीडियो, और दिवाली 2 दिन बाद ही है, तो मैंने सोचा अभी जल्दी करके डाल देती हूँ, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है वीडियो डाल के, इतना अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि दिवाली से पहले ही सारी अमेज़ॉन की हॉल्स सबको देखना पसंद है। तो मैंने आज ही ये वाला वीडियो बनाया क्योंकि मेरे पास ये 2 दिन पहले ही सारी चीज़ें आई। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद द बेल आइकॉन, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।